क्या है दोस्तों, मेरा नाम है नासिर इकबाल। आज मैं और मेरे पैर वाले गांव जा रहे हैं। आज आपको दिखाते हैं अपना सफ़र गांव का। चलिए ये देखिए, हम जा रहे हैं गांव। सुबह के बज रहे 6:15। आगे मेरा छोटा भाई और मेरे पापा है। ये है हमारी गली, हमारी मोहल्ले की गली। अभी कोई भी नहीं उठा क्योंकि अभी हम सुबह जा रहे हैं गाँव। और सुबह के बज रहे 6। आगे चलते रहेंगे और दिखाते रहेंगे अपनी गली का नज़ारा। लेकिन अभी कोई उठा ही नहीं है। सुबह के 6 बज रहे, अभी भी अंधेरा ही अंधेरा है। अभी सब के सब सो गए हैं और हम गाँव जा रहे हैं। और हम पहुँचने वाले हैं बटला हाउस। यहाँ तो उजाला है क्योंकि ये मार्केट है, इसलिए यहाँ पर उजाला है। मगर अभी भी सभी के सब सोए हुए हैं। और बटला हाउस पहुँचने वाले हैं। ये सबसे पुरानी बिल्डिंग है बटला हाउस की। अभी तो हम चलते जा रहे। और हम पहुँच गए हैं बटला हाउस के अंदर। ये मार्केट है, यहाँ थोड़े से लोग घूमते नजर आ रहे हैं क्योंकि ये मार्केट थोड़ा सा, यहाँ मार्केट थोड़ी सुबह भी खुलती है, थोड़ी बड़ी मार्केट सुबह भी खुलती है। ये है जामा मस्जिद बटला हाउस की, यहाँ की। अब बटला हाउस के और अंदर आ गए, यहाँ लोग जा रहे हैं। ये हमारे रिक्शा आ गया, हम सवारी आ गई वहाँ। अब हम सवारी में जा रहे हैं वहाँ अपने बस पकड़ने के लिए। ये यहाँ का पुराना कब्रिस्तान है और यह भी कब्रिस्तान पुराना। बारिश भी हो रही है धीरे धीरे। यहाँ पर पहुँचने आ रहे हैं हम। यहाँ लोग खड़े हुए सवारी खड़े हुए। यह मेट्रो का पुल और हम आ गए हैं बुलंदशहर रोड पे, हाईवे पे अपने गांव के पास। हम धीरे धीरे नीचे उतर रहे। ये बुलंदशहर हाईवे रोड, धीरे धीरे नीचे उतर रहे। देखिए पीछे से कार भी आ रही है, बाइक भी आ रही है। अभी हमें नीचे उतरना है। अब रोड चलते जा रहे हैं, ये मंडी जहाँ सब्जियाँ जमा होती है। नीचे उतर जा रही। अभी बहुत उतरना है नीचे, बहुत लंबा सफ़र तय करना है नीचे का। नीचे उतर जाए। अब बजे हैं सुबह के 7:45। बारिश का मौसम है, धूप बिल्कुल भी नहीं है, वैसे ठंड भी है। नीचे उतर जा रहे हैं। अभी हम नीचे उतर जा रहे हैं, हम नीचे उतर चुके हैं। अब आगे पहुँचे जहाँ हमें रिक्शा लेना है अपने गांव के लिए। अभी चलते जाने। यहाँ इस आगे पड़ेगा मुरादाबाद, इधर पर हापुर और इधर पर बुलंदशहर। अभी चलते जा रहे हैं।
और हम बुलंदशहर के हाईवे के नीचे खड़े हुए, यहाँ से वो पकड़ेंगे ई रिक्शा गाँव के लिए। मौसम की हवा चल रही है, ये बुलंदशहर का साइन है, इधर बुलंदशहर और इधर पड़ेगा दिल्ली, यहाँ से हम आए हैं। हम सब इंतजार कर रहे हैं ई रिक्शा का, ई रिक्शा तो पकड़े गाँव चले। ये मेरे परिवार खा रहे खड़े हुए हैं, इनको ज़्यादा ठंड लग रही है। हमने कम सब ने कई चद्दर मतलब हो रहा था, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। इधर पड़ेगा हापुड़, एक ई रिक्शा आ तो रहा है, देखते हैं रुकता नहीं रुकता, ट्रक के पीछे एक रिक्शा आ तो रहा है, रुकता नहीं रुकता। इधर पड़ेगा हापुर और इस तरफ पड़ेगा मेरठ। ये कोई रिक्शा आ रहा है, वहाँ रुकेगा नहीं, जब तक हम अमरूद खा लेते हैं, नाश्ता खा के नहीं आए, रोक लो जब तक यहाँ अमरूद खा लेते हैं हम सब के साथ। यहाँ सब अमरूद खा रहे हैं, ये भी अमरूद खा रहे हैं, छोटा भाई पापा भी अमरूद खा रहे हैं, चाचा भी अमरूद खा रहे हैं, फोटो वाला आ रहा है, और मैं भी अमरूद खा रहा हूँ। हम यहाँ काफ़ी देर तक खाए हुए, एक भी रिक्शा वाला नहीं आया, आए तो बंदा महंगे पैसे मांग रहे हैं, एक आया है जिद पे, क्या कहता है 400 घंटे का टक जा रहा है, ये मंडी जाकर मंडी के बाद शहर जा रहा है टक।
अब हम पे गांव आ चुका है। ये हमारा गांव का सबसे बड़ा मदरसा है। गांव का नाम बाबुल सलाम। कुत्ते कुत्ते हर जगह होते हैं। ये मस्जिद है, ये मस्जिद है, आगे मदरसा है। चलने हैं। धूप अभी तक बिल्कुल निकली नहीं है। ये वजू खाना है, वजू करते हैं। एक वजू खाना वहाँ भी। ये पेड़ पौधे लगा रखे यहाँ पे। ये यहाँ के तालिब इल्म में तो यहाँ पढ़ते हैं। ये दरसगाह है, ये दरसगाह यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। अब मदरसे वाले निकल चुके हैं। अब हम अपने गांव में हैं। हम अपने गांव में मैं जाऊँ कब्रिस्तान। असल में संडे हम संडे में यहाँ गांव आते हैं अपनी अम्मी की कब्र पे सूरह फातिहा पढ़ने के लिए। तो हम यहाँ से जा रहे हैं कब्रिस्तान। अरे भाई, पापा और चाचा वो पहले चले गए, वो पहले चले गए कब्रिस्तान। अब मैं जा रहा हूँ कब्रिस्तान। बारिश हो रही है अभी भी। बारिश पहले तो हल्की हुई थी, अब तेज़ होने लगी बारिश। हल्की बारिश के कारण हवा थोड़ी सी कम हो गई है, ठंड है अभी भी। ये हमारे गांव के घर हैं जो बने हुए। अभी आ रहे जा रहे हैं जा रहे बारिश हो रही है दबा के, और मैं भी बहुत गीला हो चुका हूँ। जैकेट वैकेट सब गीली हो गई है। ये देखिए पूरा कपड़ा गीला हो गया, बारिश हो रही दबा के, मुँह भी गीला हो गया। अरे ठंडा होता ना मज़ा आता है बारिश में। तो अभी हम फिर गांव जा रहे हैं वो सॉरी हम जंगल जा रहे हैं। इस तरफ है जंगल, जंगल में कब्रिस्तान है। गांव में ज़्यादातर जंगल में कब्रिस्तान होते हैं। अभी बहुत लंबा सफ़र करना है अभी जंगल तक पहुंचने के लिए। अभी हम जा रहे हैं। छाता लाओ साथ में, अपने पैक में मंडी का ना भूल गया। किसको क्या पता बारिश तेज़ हो जाएगी। ये है टावर मोबाइल का, नेटवर्क टावर। यहाँ ज़्यादातर VI जियो और एयरटेल इन तीन की सिम यहाँ पर ज़्यादातर चलती है। हालांकि ये तीन सिम है जो ज़्यादातर चलनी है, मगर हमारे गांव में ज़्यादा ये तीन सिम चलती हैं।
आसपास हम पहुंच गए जंगल में। ये देखिए कब्रिस्तान गए थे, वहाँ मिट्टी थी, गीली मिट्टी, पाँव गंदा हो गया, धोना पड़ेगा, यहाँ पे इससे धोना पड़ेगा, धो दिया मैंने हैंडपम्प से, साफ कर लिया। अब हम जा रहे हैं अपनी हवेली पर, ये इलाका है मेरे गांव का, ये मेरे गांव का इलाका है पूरा, गांव ऐसे ऐसे घर बने हुए हैं गांव में। अब हम हवेली पे जा रहे हैं, जा रहे हैं अपने हवेली पर। ये है हमारी हवेली, तो कई सालों से बंद पड़ी है, आज उसको कई सालों बाद खोलने जा रहे हैं, तो कई सालों बाद खोली जा रही है। अभी कई साल बाद खुली गई है, अभी कई भूतिया ना हो गई हो कई सालों तक। अब देखते हैं क्या क्या पाया जाता है इसमें। बहुत साल बाद खुली गई है, बहुत साल बाद खुली गई है। ये तख्त जिसमें नमाज पढ़ी जाती थी, कई साल बाद खुली गई है हवेली। इस दरवाजे का ताला बहुत पुराना है, इसके चाबी मिलना मुश्किल हो रही है, टाइम लगा खुलने में, बहुत पुराना दरवाजा, बहुत पुराना ताला है इसका, बहुत टाइम लगा खुलने में। अब दरवाजा खुल चुका है, अब देखते हैं इसमें क्या है। बहुत पुरानी, बहुत साल बाद खुली है, चारपाई पहुँचे भाई, कैसे खड़ी हो रही है, कोई भूत बुद्धा हो अंदर। अंधेरा ही अंधेरा है, देखो जो चीज बंद पड़ी है, तुम नई गाड़ी को खड़ी कर दो, दो चार चाय भी ऐसे खड़ी पड़ी है, अंधेरा ही अंधेरा। अब तो लाला रे, ये एक और दरवाजा है, कुछ और चीज, कुछ चीज हो ना उसमें, भूत भूत ना हो, बहुत सारी बात खुली गई। हाँ, कील रखा मैंने वैसे, ना परेशानी कुछ भी अंदर। अब ये दूसरा दरवाजा, दूसरा गेट है, दूसरा कमरा है, बहुत सारे से मिल गई, बहुत सारे से मिल गए, बहुत सालों बाद खुली है हवेली, बहुत सालों बाद, इसे देखा कोई भूत भूत तो नहीं है, समझा जीन्यून, बहुत सालों बाद खुली है। छत पे तो पूरी सीलिंग है, पूरी सीलिंग है, छत भी बना है, छत होती है पूरी सीलिंग है, फिटिंग भी बहुत पुराने ज़माने की है, बिजली की बल्ब भी कब कब बहुत पुराने ज़माने का बल्ब है। बहुत पुराने ज़माने की फिटिंग है यहाँ पे बिजली की। कम से कम ये 30 या 35 साल बाद खुलेगी ये हवेली। चारपाई बहुत पुराने जमाने की है, ये सहन है इस हवेली का। ये जीना है इस हवेली का, बहुत पुराना जीना है, बहुत पुराना जीना है इस हवेली का।
लोग ये किचन है, ये लगाओ। ये छत है, इस हवेली की छत, बहुत पुरानी छत है ये। छत में खेला करते थे। ये बिजली का तार है। इस हवेली कम से 30 या 35 साल बाद खोली गई है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही काफ़ी है।